देखिए, हमारी पार्टी का जिस दिन से सदन शुरू हुआ है उसी दिन से समाजवादी पार्टी ने संभल को लेकर के अपनी बात रखने की कोशिश की है। सदन नहीं चला, हमारी मांग अभी भी वही है कि सदन में संभल को लेकर के हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार अधिकारियों का है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और वहां की सरकार के इशारे पर मनमानी हो रही है, और मनमानी इस हद तक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि वोट लूटा जाए, वोट को डालने न दिया जाए? ये उपचुनाव, हालांकि सरकार के उपचुनाव माने जाते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार प्रशासन का कभी देखने को नहीं मिला। हमारे लिए संबल और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि लोगों को उलझा के रखो इस तरह के मसलों पर। समाजवादी पार्टी कभी इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकती है। हमारी प्रायोरिटी है कि संभल पर चर्चा हो, संभल की बात हो, कम से कम जो दोषी अधिकारी हैं जिनकी वजह से वहां जाने गई हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हुआ है, और जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है, जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। जो लोग जगह जगह खोदना चाहते हैं वो देश का सौहार्द भी खो देंगे। इसीलिए मैंने कहा जो जगह जगह खोदना चाहते हैं वो देश का सौहार्द खो देंगे, देश का भाईचारा खो देंगे, और ये सोची समझी रणनीति है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम जगह जगह पर कर रही है। सर, प्रधानमंत्री ने साबरमती रिपोर्ट देखी सारे एमपी के साथ पार्लियामेंट में, क्या कहना है आपका? मैंने फिल्म नहीं देखी और न मेरी देखने की इच्छा है। मिल्कीपुर कैसे बचाएंगे सर? ऐसे सर जो मुराद ऊपर वाला बचाएगा, सबको भगवान बचाएगा, और आप भी जानते हो पाप का घड़ा जब भर जाता है तो अपने आप फूट जाता है। सर, मुरादाबाद में आपको लगता है जो जेल में बंद है वो इनोसेंट है? एसके एसन जी का भी बयान आया है कि वो इनोसेंट लोग हैं जो बंद किए हुए हैं। देखिए, सरकार अपना पक्ष दिखा रही है। सरकार के लोगों ने जो व्यवहार किया, जो गाली गलौज की, क्या सरकार उन पर कार्रवाई करेगी जिनकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी, जिसकी वजह से जान गई लोगों की? वो कौन लोग थे जो सर्वे कराते समय साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए थे? जब मैंने आपसे पहले कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां के पूरे अधिकारियों को अपने संगठन का पदाधिकारी बना दिया है, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, डीआईजी हो, कमिश्नर हो, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उनसे न्याय की उम्मीद आप नहीं कर सकते। और इसी का परिणाम ये हुआ है कि इतनी बड़ी घटना हुई। दोषी अगर कोई है तो प्रशासन दोषी है, दोषी कोई है तो वो नारे लगाने वाले हैं हर जगह जो खोदना चाहते हैं, खोदने वाले एक दिन भारत का, देश का सौहार्द भी खो देंगे। बांग्लादेश को लेकर के भारत सरकार को चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार चिंतित हो क्योंकि इस तरह का काम नहीं हो तो भारत सरकार क्या ताकतवर सरकार बनती है अपने आप को, अगर हमारे साधु संतों का भी सम्मान नहीं कर सकती है।